सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। उनके जबान से अल्फाज तो निकलते हैं, जहर जंगल में रहने वाला अज्जा जो पूंछ से लेके और मुंह तक जहर से भरा होता है, उसे भी योगी के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि मुझसे ज्यादा जहर इस आदमी ने कहां से आया। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने योगी आदित्यनाथ को बताया जहरीला अजगर, कहां सर से पांव तक भरा है जहर। खबर जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तुलना जहरीले अजगर से की है। अलवी ने कहा कि योगी इतने जहरीले हैं कि उनसे अजगर भी शर्मा जाए। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके के जबान से अल्फाज निकालते हैं उसमें से जहर निकलता है। जंगल में रहने वाला जंगली जानवर जो पूंछ से सिर तक जहर से भरा होता है, उसे भी योगी के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि मुझसे ज्यादा जहर इस आदमी में कहां से आ गया है। ऐसे लोगों से हमें लड़ना है। उन्होंने यह भी कहा कि योगी के खिलाफ मर्डर और दंगे कराने समेत करीब 13 मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राशिद अलवी ने कहा, कांग्रेस अपने अकेले के दम पर 80 के 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उनका मानना है कि समझौता हो, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का प्रयास करेगी। सपा बसपा से गठबंधन होने के कारण उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को लेकर एक सवाल पर अलवी ने कहा कि उनकी पार्टी ने हाल ही में 3 प्रदेशों में चुनाव जीतकर वहां अपनी सरकार बनाई है। यूपी के अंदर 2009 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी एक जमाने में सिर्फ 2 एमपी रखती थी और आज सरकार चला रही है, इसलिए कांग्रेस को कम करके नहीं आंकना चाहिए। अलवी ने कहा कि उनके कार्यकर्ता और पार्टी पूरी ताकत के साथ इस बार का चुनाव लड़ेगी और राहुल गांधी फरवरी में 11 पब्लिक मीटिंग करेंगे, जिनमें पहली मीटिंग मुरादाबाद में होगी और हम अकेले के दम पर ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।